जी दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर CEX के आपके टोकन का विड्रा जो है वो आपसे करवाऊंगा। CEX इनकी अपनी ब्लॉकचेन है जिसके अंदर जो है अभी हमने विड्रा करना है। वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा तरीका समझ आए, अपने टीम के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने CEX के टोकन जो है वो अपना विड्रा कर लें। यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन होगी वो आपको करनी होगी, तो आपने जो है कोई एक स्टेप भी मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। ये कब से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो दूं, लेकिन आज टाइम मिला मैं आपको इस चीज की वीडियो प्रोवाइड करूँ। ये टेलीग्राम का प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपको पता है, अभी भी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर ले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा ताउन किया करें, साथ दिया करें। अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, मैं आपका साथ देता हूँ। हर एक चीज जो है वो आपको डिटेल में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लफ्जों के साथ, ताकि आपको समझ आए, कोई ऐसा मसला ना बने कि आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझना है। तो मैं सिंपल लफ्जों के लिए आपके लिए कोशिश करता हूँ। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे टैप टैप करके यहाँ पे अपनी माइनिंग करनी होती है। यहाँ पे आपको डेली पॉइंट्स हर 2 से 3 घंटे के बाद मिल जाते हैं। अब आपने करना क्या है, नीचे आपको एक टास्क वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पे सारे टास्क होंगे, ये आपने कंप्लीट करने हैं। कोई एक भी टास्क आपने मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे टोकन मिलते हैं। यही मेरे पास इतने टोकन होने की वजह सिर्फ यही है कि मैं कोई भी टास्क, कोई भी यहाँ पे मिशन आता है वो छोड़ता नहीं हूँ, टाइम पे करता हूँ ताकि वहां से मुझे रिवार्ड मिले। यहाँ पे सारे मिशन मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपके जितने भी हैं वो भी आपने अपने कंप्लीट कर लेने हैं, मैंने अपने कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आता है रजिस्टर इन CEX.io, यहाँ पे हमने जो है रजिस्टर करना है और यहाँ पे हमने अपना विड्रॉल करना है। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आपने पूरा देखना है। मैं गो के ऊपर क्लिक कर दूंगा जस्ट वंस, यहाँ पे क्रोम के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर के ऊपर भी मौजूद है, तो यहाँ पे गूगल के अंदर आपको लेके आएगा, पहले बोलेगा कि रजिस्टर करें। आपने वहां पे अपना ईमेल वगैरह, नंबर वगैरह, वो पासवर्ड वगैरह, ये सारा कुछ सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे जो है हम वेरीफाई के ऊपर, वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूरी आपकी वेरिफिकेशन होगी, जैसे आपने सिद्रा के अंदर की, पाई नेटवर्क के अंदर की, बनांस में की, ओकेएक्स में, वैसे आपकी जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पे ऊपर देखें आपको ये प्रोग्रेस जो है वो 0 नजर आ रही है, इसको हमने 100 करना है। 100 करेंगे तो हमारा विड्रॉल जो है यहाँ पे हमें रिसीव होगा। कुछ मेन स्टेप्स हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री, जिप कोड, सिटी, स्टेट और अपार्टमेंट सूट, ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको लाइव करके यहाँ पे जो है दिखाने वाला हूँ। सिटी जो है, कंट्री जो है मेरा पाकिस्तान हो गया, जिप कोड मेरा जो है वो है 34200, तो यहाँ पे जो है मैं पंजाब से हूँ, और सिटी मेरा जो है वो मुजफ्फरगढ़ है, तो जिप कोड सॉरी यहाँ पे जो है मैंने 34200 देना है। लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ। स्ट्रीट जो है आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी जो है जो मेरे CNEC पे है मैं वो लिख दूंगा। तो जो आपका एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे जो है लिख देना है। और इसके बाद आता है अपार्टमेंट सूट, यहाँ पे आप 2-3 कुछ भी यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, मैं 3 लिख देता हूँ। इसके बाद वो मुझे कह रहा है कंट्री कॉलिंग कोड, ठीक है, कंट्री कॉलिंग कोड आपने ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया होगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नंबर डालना है। नंबर कौन सा, जो आपका टेलीग्राम के ऊपर लगा हुआ है, आपने अपना टेलीग्राम को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ से जो है आप अपना ऊपर देख सकते हैं, मेरा जो नंबर है वो मैं यहाँ पे जो है डाल दूंगा। तो यहाँ से आगे से आपने 0 हटा देना है, ऊपर कंट्री मेरा चेंज हो गया था उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट के बाद जो हमारी प्रोग्रेस देखते जाए ऊपर बढ़ती जा रही है। डॉक्यूमेंट टाइप है यहाँ पे नेशनल आईडी मैं अपने CNEC के साथ करूंगा, और इश्यूइंग कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, इसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कैमरा ओपन होगा, मैंने अपना जो है CNEC यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है, तो वो आपको जो है यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने फ्रंट भी इमेज यहाँ पे प्रोवाइड जो है इनको कर दी है, अपलोड कर दिया, बैक इमेज भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो उसके बाद मुझसे क्या कहता है कि अपना फर्स्ट नेम बताओ, मिडिल नेम, अगर मेरा नाम है शाहिद मुख्तियार, ठीक है, CNEC पे जो मेरा नाम है, अब फर्स्ट नेम में मैं लिखूंगा शाहिद और मिडिल नेम छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपके 3 नाम है, जैसे शाहिद मुख्तियार खान या ऐसे तो मोहम्मद शाहिद मुख्तियार, अगर यहाँ पे आता ना तो मैं पहले में लिखता मोहम्मद, मिडिल में लिखता शाहिद, लास्ट में लिखता मुख्तियार, ठीक है, 3 नाम होते। तो यहाँ पे क्या है, मेरे 2 नाम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा शाहिद
मिडल को छोड़ दूंगा, लास्ट में जो है लिख दूंगा मुख्तियार। और डेट ऑफ बर्थ आती है यहाँ पे, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज करूंगा। आपने यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ से मैं कुछ चीजें जो है वो ब्लर रखूंगा, तो आपने जो है समझ लेना है। नेशनैलिटी पाकिस्तान, फर्स्ट नेम अपना नाम लिख दिया, मिडल छोड़ दिया, लास्ट नेम में अपना नाम बल्दियत लिख दी, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, जेंडर में मेल लिखा, अगर फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, मेल है तो मेल लिखेंगे। अच्छा, नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तान से, आपकी इंडिया से, बांग्लादेश जो भी है वो आपने लगानी है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद वो कह रहा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में आपने अपना सीएनसी नंबर देना है, तो मैं वो डाल देता हूं। इसके बाद इशू कंट्री, वो पाकिस्तान ऑलरेडी आ रहा है, तो एक्सपायरी डेट जो है वो मुझसे कह रहा है, तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट जो है अपने कार्ड की वो डाल दूंगा कि एक्सपायरी डेट जो है वो क्या आ रही है। ये मेरी एक्सपायरी डेट कार्ड की जो है 2031 की है, और वो भी दिसंबर की, दिसंबर की 28। तो ये ले जी, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना कार्ड ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे कार्ड पकड़ना है। मैं इस तरह बताता हूँ, ऐसे कार्ड होगा, ऐसे मैंने सेल्फी लेनी है, ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। तो जनाब आपको कुछ इस तरह का जो है स्क्रीन शो करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने नीचे जो है अपनी स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑटो रोटेट का आपको जो ऑप्शन है वो ऑन कर देना है। जो ही आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर जो है आपने स्टार्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पे जो है मैं इसको कर लेता हूँ, ऑटो रोटेट किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे जो है अनलॉक हो गया। तो अब जो है यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सबमिट कर दिया। दो ऑप्शन आते हैं, एक में आपका फेस आना चाहिए, दूसरे में आपका सीएनसी आना चाहिए। सीएनसी कुछ आपको इस तरह का जो है वो दिखाना है, ऐसे आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड न्यूज आ गई, यहाँ पे जो है वी हैव इंक्रीज्ड योर अकाउंट लिमिट, आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो अगर इस तरह का आपको ऑप्शन आता है तो यहाँ पे थोड़ा आप स्क्रोल करें, इसको बैक करें, यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको शो करवा देगा। और क्लेमे के लिए कमिंग सून बोलेगा आपको, तो क्लेम जब जो है ये क्लेमे के लिए यहाँ पे बोलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेड करने के बाद जो है यहाँ पे हम यहाँ से जो है USDT वगैरह वो अपना विड्रा जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, यहाँ पे हमें विड्रा मिलेगा। तो ये था तरीका, ये थी जो है वीडियो डिटेल, और ऐसे आपने करना है। बाकी इसके हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है, जो ही आएगी उसकी नेक्स्ट वीडियो दूंगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।